शादी के 3 तलाक बाद ही खुल गया दुल्हन का ये सबसे बड़ा राज। तलाक की तैयारी, 2 केस दर्ज। खबर जानते हैं विस्तार से। जयपुर में शादी के 3 दिन बाद ही दुल्हन ने दूल्हे को तलाक देने के लिए बोल दिया। दुल्हन ने पियर पहुंचकर दूल्हे को फोन कर तलाक लेने को बोला, साथ ही दहेज प्रताड़ना का मामला भी दर्ज करा दिया। कोर्ट में युवक ने महिला के रिकॉर्ड को चेक किया तो पता लगा कि युवती की मार्कशीट व सामूहिक विवाह सम्मेलन में दिखाई गई है और मार्कशीट अलग है। आधार कार्ड में भी उम्र अलग दिखाई गई है। नाबालिग की उम्र को अधिक दिखा के उसकी शादी की गई है। युवक ने मुरलीपुरा थाने में 1 दिन पहले मार्कशीट बदल के धोखे से शादी कराने व 3 लाख रुपये मांगने का मामला दर्ज करवाया। जयपुर के मुरलीपुरा निवासी पीड़िता शशिकांत ने बताया कि एक शादी में एक रिश्तेदार ने उसकी शादी भांजी से करने की बात कही थी। जनवरी 2020 में वह सपोटरा करौली की लड़की देखने गए थे। लड़की का असली नाम अलग था। तब युवती के पिता विनोद ने नाम बदलकर कुंडली का मिलान करवाया। 25 नवंबर 2020 में उसकी शादी सर्व समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन में लालसोट में हुई। उन्होंने 21,000 व लड़की पक्ष के 11,000 की रसीद कटवाई। उसकी बिना दान दहेज के शादी हुई थी। शादी के बाद युवती मुरलीपुरा आ गई। 28 नवंबर को लड़की के परिजन उसे राजी खुशी ले गए। शशिकांत ने बताया कि घर से निकलने के 2 घंटे बाद ही युवती ने फोन कर बोला कि उसे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, वह तलाक लेना चाहती है। शशिकांत ने अचानक तलाक लेने का कारण पूछा तो बोली, मुझे रिश्ता मंजूर नहीं, मुझे तलाक लेना है। 3 दिन बाद उन्होंने सपोटरा थाने में दहेज प्रताड़ना का मामला भी दर्ज करवा दिया। पुलिस ने कोर्ट में चालान भी पेश कर दिया। कोर्ट में पेश रिकॉर्ड की कॉपी उसने ली तो पता लगा कि युवती की उम्र में बदलाव किया गया है। रिकॉर्ड में पेश मार्कशीट में उसकी उम्र 5 जुलाई 2003 थी, जबकि विवाह सम्मेलन में पेश मार्कशीट में आधार कार्ड के कांट छांट कर 5 जुलाई को 2001 की गई थी। यह बात उसके मामा को बताई गई। उन्होंने लड़की पक्ष से बात की तो उल्टी धमकी देने लगे। कुछ दिनों के बाद उन्होंने फोन कर 3 लाख रुपये व तलाक देने की मांग की। लड़की पक्ष ने कहा कि कोर्ट आने पर उसे सबक सिखा देंगे। उन्होंने नाबालिग लड़की को बालिग बताकर उसकी शादी कर दी। अब मुरलीपुरा पुलिस मामले की जांच कर रही है।